हेलो एवरीवन, ये सुंदर सी थाली, द्वादशी की थाली, जिसमें मैं बृहस्पतिवार के प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलूंगा, उस थाली के साथ आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में, दि ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह इन्होंने बनाई है इतनी टेस्टी सी थाली, और यहाँ पे शुभी भी हमारे साथ खेलू खेलू कर रही है, और मैं जा रहा हूँ आज कहीं कहीं क्या ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, ऑफिस की तरफ से सीएसआर इवेंट है, तो इस वजह से जाना पड़ रहा है। तो फटाफट मैं उठाऊं, और मैंने कहा कि फटाफट मैं व्रत खोलूं, बृहस्पति की कथा करी है, नहाया धोया है, और उसके बाद बृहस्पति की कथा करी, और अब निकल रहा हूं मैं इवेंट के लिए। शुभी, शुभी को हमारी अपना नाम बहुत पसंद है, आप सभी ये बात जान ही गए होंगे। घर की सफाई लगभग हो चुकी है, खाना प्रॉपर बन चुका है। जब हस्बैंड जी को निकलना हो ऑफिस, तो खाना जो है सुबह सुबह बन जाता है। तो क्या क्या बनाया मैं दिखाती हूँ। कल लेके आए थे ये बहुत सारा साग, तो मैंने बनाया है आलू मेथी की भुजिया, और यहाँ बने हैं कटहल, बहुत टेस्टी यमी कोशिश की है बनाने की, ये राइस, और यहाँ बनी है दाल तड़के वाली, बहुत अच्छी। तो गाइज़, ये सब मैंने बनाया है इनके द्वादशी के पारन के लिए। इनके क्या मेरा भी फास्ट रहता है, मैं अपना तो भूल ही जाती हूँ। तो ये जो है ना पारन के लिए बनाया है, तो अब ऐसा होता है ना कि जब ऑफिस के लिए निकलना हो तो काम जल्दी हो जाता है, तो हमारी सफाई भी हो चुकी है, घर साफ हो चुका है, और खाना भी बन चुका है। तो अब सबको बस नहाना धोना है और खाना खाना है, और मैं दिखाती हूँ कि कल कितना सारा साग ये खरीद के लाए हैं। और सुबह 6:30 बजे से ही मैं, छोटी और मम्मी, हम तीनों लग गए थे साग चुनने में। मटर लाए थे बहुत सारे, तो मटर को मैं क्या करती हूँ, मैं छिल छिल के लास्ट सीज़न में बहुत सारा मंगा लेती हूँ इनसे, और फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ, और फिर वो गर्मियों में जो है ना बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, है ना, और उसे बहुत अच्छे से बॉयल करके हम मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्या हो गया, क्यों लो लीजिए आप, भाई जी ने गोदी से उतार दिया आपको, हैं? बड़ी माँ ने गोदी नहीं लिया सुबह से, टाइम नहीं था। इधर देखो, इधर 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 फैन चलता है, वो देख के खुश होते रहती है। तो मैं दिखाती हूँ कि सुबह 6 से 9 3 घंटे में हम तीनों सास बहू ने ये किया। यहाँ आया था ये सारा साग, ये सब चुना हुआ अच्छे से जो है अलग अलग रखा हुआ है, और ये अब लाइन से अब रोज कुछ ना कुछ साग बना करेगा। गाड़ी मैंने निकाली नहीं, और खुद से डिसाइड किया था जाने का, तो खटारी से ई रिक्शा मेले में जो, उसके बाद मेट्रो में बैठ के बोटेनिकल गार्डन उतर गया। जावेद का फास्ट चल रहे, रोजा चल रहे, लेकिन फिर भी वो आया था। मेट्रो से उतर चुका हूँ, और टेढ़े मेढ़े रास्ते से जावेद और मैं निकल पड़े हैं। भैया गूगल माता बता भी रही है कहाँ कहाँ जाना, यहीं से भाई। भाई कितने खतरनाक रास्ते दिखा रहा हूँ, ये देखिए भाई लोगों, गांव की पगडंडी कहाँ है, ये नोएडा है, नोएडा नोएडा के आउटस्कर्ट्स में आपको यही सब चीजें देखने को मिलेंगी। सारे लोग पहुंचे पड़े हैं, क्यों जावेद? यस सर। मजे करने आए हम यहाँ पे, या क्या करने आए हैं? रोजे में मजे करा दिए इन्होंने। द डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट। आ गए हम लोग। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने इस वीडियो को, क्योंकि मैंने लगाए थे पूरे 9 पौधे वहाँ पे जाके, जावेद ने भी 9 लगाए, मैंने भी 9 लगाए, हम दोनों में कंपटीशन चल रहा था। फटाफट फटाफट आगे आपको जो आवाज़ सुनाई देगी ना, वो हमारे एक कुली की सुनाई देगी, सौरभ की, कौन से जगह पे लगाए हैं वो पौधा, लेकिन इनको मिल गया और 7वां है, 6 लगा चुके हैं ऑलरेडी। और सर, ये अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं जो प्रकाश जी दे रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे, वो देख ही नहीं रहे, हाँ जरूरत नहीं है, हमारे हाथ ही का। हाँ, तो 7वां पौधा लगा दिया है सर ने, और हमने तो 3-3 लगाए हैं, प्रकाश और मैंने, प्रकाश ने 3 लगाए हैं, है ना प्रकाश, और जावेद सर ने 8 लगा दिए, तो अभी जावेद सर लीड कर रहे हैं, अभी वो 7वां लगाते हुए 8वां लगाते हुए 8वां। अब देखिए, इन दिनों जावेद सर और अविनी सर के बीच में कंपटीशन होता हुआ, देखते कौन जीतता है। ओह, लेकिन उन्होंने देखिए, उन्होंने इतना छोटा पौधा लिया है, वो 8.5 माना जाएगा, वो 8.5 माना जाएगा, आपको 9 काउंट नहीं होगा सर, ठीक है ना।
लेकिन कोई भी डेड पौधा नहीं है, आपको लग रहा होगा डेड पौधा, पतझड़ का मौसम चल रहा है तो इसलिए डेड पौधा। और ये तो बराबरी करते हुए अवनीश जी। तो 8 ऑल में ही हम खत्म करेंगे या फिर और लगेगा? कम, अच्छा 9 है, अच्छा दोनों 9 ऑल हो गए, 9 ऑल हो गए, बहुत ही बढ़िया। तो 9 ऑल करते हुए ये आपके हाथ में क्या हो गया सर? शनिदेव आजकल ना मेरे ऊपर मंडरा रहा है। आ जाओ एक एक सेल्फी ले लो। हाँ हाँ सर अभी ले लो। आ रही है? अरे सर वीडियो बन गई। नहीं तो अब हम निकल रहे हैं सिटी फॉरेस्ट से। चलिए यस, पौधारोपण करने के आने के बाद हम आज निकल गए हैं स्कूल के लिए, मतलब निकल गए थे बहुत ही बढ़िया स्कूल्स के जो है हमें आज दर्शन हुए। केशव कार्तिक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उनका सारे स्कूल्स में एडमिशन हो जा रहा है। टच वुड, मुझे तो यकीन नहीं था जिस तरीके से केशव ने प्रिंसिपल के साथ बात की, जो आज की परफॉर्मेंस थी भाई, मुझे तो लग रहा था सफल हो गया भाई, इतने पैसे खर्च किए है ना। हजार गुना ज्यादा खुश आज केशव के पापा है। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ बेटे को बढ़ता हुआ देख के। तू उसके अंदर आज दिखा हमें, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो इतने इतने अच्छे तरीके से बोल पाएगा, इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर पाएगा, हर चीज बता पाएगा। कार्तिक बहुत घबराया हुआ था आज, लेकिन केशव ने तो कार्तिक ने भी सजी सारे, कोई गलत आंसर नहीं दिया कार्तिक ने भी। हाँ कोई गलत नहीं दिया दोनों बच्चों, क्योंकि हमने कुछ, अब हम सीधे गए, हमसे फॉर्म भरवाया कहा कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हैं, एग्जाम के लिए तैयार भी नहीं थे बच्चे। हाँ, वही तो स्कूल घुमाने ले गए थे कि आप लोग देखो दो चार स्कूल आप लोग, और ये मैंने प्रिपेयर कराया ही नहीं है कि जब माई सेल्फ आप बोलते हो तो आपको और क्या 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 चीजें बोलनी होती है, खुद ही बोल दिया। हाँ तो बोल दिया बच्चों ने खुद ही, बहुत ही अच्छा। केशव ने तो भाई रॉक कर दिया, केशव ने बहुत ही अच्छा बोला है, बहुत अच्छा। और कार्तिक ने भी एक एक चीज, कार्तिक से तो एक्चुअली पहले उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट पूछा, ऐसा हाँ। नहीं था कि उन्होंने कहीं से भी कुछ भी, सच में भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है उसमें तो आपको विनर होना ही चाहिए। साइंस बोला केशव ने, उन्होंने तो साइंस का बाहर लगा दिया, गैलेक्सी से लेके और क्या क्या लेके ये वो दुनियादारी। मैं तो कह रहा था वही, इतनी सारी चीजें हमने भी पढ़ी हुई है, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा था, केशव को सब पता था। और जब वो आंसर्स दे रहा था प्लस कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए, मैं तो केशव से ज्यादा ना इनका फेस देख रही थी गाइस, इतने खुश हो रहे थे, मैं बहुत हैप्पी था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उड़ रहे हैं आज, देखो ये मेरा बेटा है देखो, सच में। और इंग्लिश में बोलना और वो बिना डरे बिना घबराए पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में की प्रिंसिपल मैम के साथ। केशव के नेम का मीनिंग पूछा, वो भी मुझे, वो भी मैंने तो एक आध बार ही बताया हुआ है लेकिन उसने बता दिया। अने का मतलब पता भी है या नहीं, कहते अजय जो कभी ना हारे निडर, तो मैम ने भी एकदम से बोला कि नहीं ये बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट सही था कि निडर, क्योंकि उसके फेस पे ना डर था ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत स्माइल करके दे रहा था वो इंटरव्यू। और कार्तिक के लिए तो उन्होंने बोला कि आप स्टार किड हैं, आप स्टार किड हो, आप स्टार किड हो, आप देखे देखे लग रहे हो, सो क्यूट, आप देखे देखे लग रहे हो। हाँ केशव ने एक सॉन्ग भी सुनाया, कार्तिक भी अगर सुना देता ना तो बहुत ही अच्छा रहता। एक्चुअली हुआ क्या कि केशव को अपनी कोई हॉबी नहीं पता, नहीं तो पता, एक्सीडेंटली उसने सिंगिंग बोल दिया। हाँ। और गाना भी इंग्लिश में गा दिया, इंग्लिश सॉन्ग ही सुनता है वो, एक भी बॉलीवुड सॉन्ग केशव को नहीं आता है, बहुत ही अच्छे से। लेकिन कार्तिक का तो है ही सिंगिंग, उसने सिंगिंग बोला तो मैम को लगा कि बड़े भाई की, बड़े भाई की कॉपी कर दी, और वो डरा भी इतना हुआ था, डरा हुआ था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ये तो है। तो आज लेकिन केशव ने तो भाई क्या बोलूं, मम्मी भाई जी निकले ऐसे कह रहा था। हाँ। मैंने कहा जब आप दोनों छोटे थे ना तो हम हमेशा सोचते थे कि कार्तिक हमेशा बाजी मारेगा। हाँ। लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा हम लोग डगमगा गए इस पॉइंट पे कि केशव ने बाजी मारी, बहुत ही अच्छा रहा, तो बड़ा है तो बड़े वाली बात थी उसमें, सच में। तो ये अच्छा रहा। फिर उसके बाद हालांकि हम उस स्कूल में नई एडमिशन दिलाने की सोच रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वो दूर है, उससे पहले एक स्कूल में हम गए थे, हमने शायद ब्लॉगिंग भी की थी वहाँ पे। हाँ, और वहाँ बच्चों ने वहाँ एग्जाम भी क्लियर, एग्जाम क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी, और काफी दिनों से मैंने उनको टाला हुआ है जनवरी से ही कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एंड देन उसके बाद आपको पता ही है घर में इतनी बीमारी चल रही थी, हम गए नहीं। आज भी फाइनली मैं उनसे फॉर्म ले आया हूँ और फिर हम नेक्स्ट वीक जाके एडमिशन करवा लेंगे। मतलब 99% हम मन बना चुके थे, और बच्चे तो 100%,
लेकिन जहाँ इंटरव्यू देके आए हैं बच्चे, अगर हम वहाँ भी कराते हैं तो बच्चे वहाँ के लिए भी बहुत खुश हैं। अब हमारे ऊपर है पूरा डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको पता, अगर कोई दिलशाद गार्डन में रहते हैं तो मैं बता दूंगा उन्हें कि कौन से स्कूल में। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कौन से स्कूल में है ना। और अभी कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे वो भी आपको पता चल ही जाएगा जब एडमिशन होगा। हो जाएगा, यूनिफॉर्म में रहेंगे आपके साथ तो मिलेंगे, आपसे छूट के कहाँ जाएंगे। बिल्कुल 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 है ना। ये ब्लॉग छोटा सा ही रहेगा, बहुत छोटा सा ब्लॉग है ये, लेकिन इसको भर भर के लाइक दीजिए, हमारे बच्चों का आशीर्वाद दीजिए, बच्चे बहुत अच्छा करें। केशव तो भाई उसने मेरा ना आज दिन बना दिया, मैं क्या बताऊं। मैं मतलब व्हेन आई वाज नॉट अर्निंग मच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो मैंने 50,000 रुपीज जो है वो स्पेंड किए थे सिर्फ एडमिशन के लिए। तो आप समझ सकते हो कि एक LKG में एडमिशन दिलाना इतना है ना। अब 14 साल का हो चुका है, जब वो 3-3.5 साल का ही था तभी मैंने 11-12 साल पहले एडमिशन दिलाया था। हाँ, है ना। अपने शौक बच्चे पालने के लिए तो बहुत सारे शौक कुर्बान करने पड़ते हैं ना, बहुत सारी चीजों के शौक थे वो नहीं किए जो है उनका फल हमें अच्छा। हाँ, तो आज मुझे लगा ना कि हाँ इन सब चीजों का ना बिल्कुल भगवान ने श्री हरि नारायण ने फल तो जरूर दिया है। बहुत ही इमोशनल भी हूँ मैं और बहुत हैप्पी भी हूँ कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सभी को अच्छा लगता है ना। तो व्लॉग को भर भर के प्यार दीजिए, नए लोग सब्सक्राइब करके जाइए अनीता ठाकुर बन जाए। घर में हमारे क्या हो रहा है वो दीदी के चैनल पे जाके देखिए, इस वजह से हम दोनों साथ में फोन लेके नहीं घूम रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आ गए क्योंकि दीदी का व्लॉग चल रहा है। आप सभी प्लीज दीदी के व्लॉग में चेकआउट कीजिए कि हम होली की कुक एंड व्लॉग्स विद, जहाँ पे होली की तैयारियां चल रही है, बहुत ही बढ़िया मजेदार तैयारियां चल रही है, जाके देखिए चेकआउट करिए है ना। अनीता ठाकुर 1032 पे जाके सब्सक्राइब नहीं फॉलो करिए, ठीक है। फॉलो कीजिए गाइस मुझे, नहीं तो मैं होली पर रील्स नहीं डालने वाली। हाँ ठीक है, और जो जो फॉलो करेगा ना वो यहाँ पे कमेंट करिए, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।